ये क्वेश्चन था कि सर कई बार हमारे जब एग्जाम आते हैं तो हमको कभी बार स्ट्रेस होता है, कुछ कंप्लीट नहीं होते, तो जैसे आपका एमपी का इलेक्शन आ रहा है 2023 में, 2024 में आपका सांसद का इलेक्शन, तो क्या सर आपको भी कभी यार स्ट्रेस होता है कि आप कैसे इलेक्शन? स्कूल में पढ़ता था तो हमारी परीक्षा जब होती थी, आप सुनना जरा मैं बताऊंगा, तो मैं मेरे मामा के घर रहता था, तो मेरे मामा जी बड़े अच्छे, वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे, तो हम लोग कल परीक्षा है तो हम लोग रात को लगे हुए पढ़ाई करने के लिए, तो वो कहते थे कि परीक्षा एक साल बाद हो रही है, परीक्षा के दौरान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए जो साल भर हमने पढ़ाई की है वर्ष भर, ये मेमोरी के अंदर आप रिमाइंड करिए बस, आप परीक्षा के दिन छोड़िए और हमारी किताबें बंद करा दीजिए, तो हमको बड़ा डर लगता था कि इन्हें हम तो बंद करा दिया, कल गड़बड़ी हो जाए क्या करेंगे। तो वो कहते थे कि जो साल भर हमने पढ़ाई किया है उसको आप कंसंट्रेशन के साथ परीक्षा दीजिए, तो आपको अपने आप रिकॉल होता है, ये हड़बड़ी करने से, किताबें पलटने से बार 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 बार, इससे बहुत अच्छी मेमोरी नहीं बनती, इसलिए जिस दिन परीक्षा है उस दिन स्ट्रेस लेस रहना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं, और आप लोग इसके लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री सभी बच्चों से भी चर्चा करते हैं, राजनेताओं के साथ तो स्ट्रेस दिन भर है। मैं कल परसों रात को 12:15 बालाघाट से चला था, सुबह 5:30 पन्ना पहुंचा था, और 6:30 हम लोग, मैं और प्रभारी मंत्री दोनों, यहाँ के हॉस्पिटल का विजिट करने के लिए आपके स्कूल के सामने से हम निकल गए थे, और निकल करके जा करके हमने सारी चीज़ों को देखा 2 घंटे, कहाँ कहाँ किन किन बातों की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर दिन भर से मैं बृजेंद्र प्रताप सिंह जी लगातार हम पूरे पन्ना जिले का दौरा हम लोग करते रहे। नेताओं को स्ट्रेस होता है लेकिन आप लोगों को देख करके स्ट्रेस समाप्त हो जाता है, हमारे बच्चे आज मुझे दिन भर के लिए एनर्जी मिल गई है मेरे बच्चों के आज यहाँ आने से। और एक बात मैं कह करके फिर किसी भी क्लास में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, मैं अभी निर्देशित करता हूँ संजय जी, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है, तत्काल इसकी व्यवस्था करें।